आज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाले। ससुर की इकलौती संतान थी। तो फिर तुम एक साल विवाहिता रही हो, इसका मतलब तुझे कोई बेटा बेटी यानी कि संतान जरूर होगी। अभी मुझे कोई संतान नहीं है। अरे जी, इसका मतलब जीवन यापन के लिए कोई सहारा नहीं है। वही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इतनी देर से मेरे पति को वापस कर दो। मैं समझ गया बेटी जी, तेरी इस जिंदगी में कोई सहारा नहीं रहा। नहीं, इसके बावजूद भी तेरे पति को तो तुझे नहीं लौटा सकता। तो परंतु अब तुझे जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ सहारा दे करके जाऊंगा, क्योंकि यमराज इस तरह से खाली जाता अच्छा नहीं लगता। कैसा सहारा बताऊं? क्या कुछ दे सकते हैं आप? बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो,
अगर आप, अरे अगर आप देना चाहते तो पहले तीन वचन पढ़ दो। चाहती है ना, क्या मांगना वो नहीं दूंगा, क्योंकि यमराज को पागल समझ रही है, बिल्कुल बुद्धिहीन समझ रही है। यमराज बहुत दिमागदार है, वो तो मुझे भी समझ, घट घट की जानने वाला है, तेरे घट की भी जानता हूँ। अच्छा हाँ, यमराज जी मैं क्या मांगना चाहती हूँ, आप कहना क्या जो तू मांगना चाहती है वो दूंगा ही नहीं। अरे बोल के बताओ क्या। तीन वचन तो दे दूंगा पर एक शर्त के साथ। क्या? सुन ले बताओ। कुछ भी मांगो करो यकीन है। आप तो वाकई पागल समझ रही थी यमराज को, ये समझ रही है कि हम तो कुछ जानते ही नहीं है। तेरे जो दिलो दिमाग में चल रहा था उसे मैं पहले ही भांप गया था। आप मेरे पति के प्राण नहीं दोगे, ये शर्त है कि अगर तू तीन वचन भी मांगेगी तो तीन वचनों में अपने पति के। ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं तीन वचनों में अपने पति के प्राण आपसे नहीं मांगूंगी। नहीं मांगेगी ना? नहीं मांगूंगी। पक्का? पक्का। कह नहीं मांगेगी। नहीं मांगूंगी। फिर कह नहीं मांगेगी। नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। तो सुन, फिर तो तेरा कल्याण कर जाऊंगा। कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे क्या? मांग लिए बुद्धि परवीन, अब बेखटके, अब बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन एक दो तीन, बेखटके मांगो सावित्री, हरि दे दिए वचन एक दो तीन। सास ससुर अंत है मेरे, सास ससुर अंत है मेरे, उन्हें आँखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। मेरा वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो, वचन तीसरा मेरी से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मैं ना चाहिए कुछ
हैं, वो तुझे जुए में हार चुके हैं।
अब तू हमारी दासियों की भी दासी बन चुकी है। जवान संभाल ले वरना जिन पैरों से आया है ना पांचाली उन्हीं पैरों से वापस भेज दूंगी। दुशासन पूरा करंट ले रही है, करंट ले रही है। ये बता हाँ। तेरे जो धृष्टराज दुर्योधन हाँ दुर्योधन कोई भी सही हाँ। ये बता उससे बोल दियो वो भी आ जाए और औरों को भी ले आए। अच्छा टांगे तोड़ के बाहर निकाल दूंगी। सुन पांचाली बड़े भाई दुर्योधन की जरूरत नहीं है, मेरा नाम दुशासन है, तुझे लेके जाऊंगा। या तो मर्दों की भरी पंचायत में राजी राजी से चल और वरना जबरदस्ती का सीधा हो ले जाऊंगा। तुझे पता नहीं कि मर्दों की पंचायत में औरतें नहीं जाती हैं। आज जाएगी और तू ठुमके भी लगाएगी। वाह क्या अच्छे ठुमके लगाता है। सुन मेरी बात सुना ले। आइए ए द्रौपदी चाल मेरे संग में अरे अंधे का अंधा याद करे। तुझे लगता है मैं जाऊंगी हाँ तो मेरी भी सुन ले सुना दे। वो मैं सब हाँ मैं जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सब हाँ मैं जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। अरे द्रौपद चाल मेरे संग मेरी द्रौपद चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। ठीक हाँ। तो इतना बड़ा मर्द दिख रहा हूँ हाँ, पांचाली हाँ। ये कौन है हम
विश के छोटे भाई हैं। अच्छा बताऊं किस रास्ते से लेके जाएंगे? हाँ। ये जो रास्ता ना यहाँ से और गंगा बक का बेहतरीन जीटी रोड। हाँ। या तो रास्ते से गंगा बक और गंगा रास्ते पे नहीं जाना चाहे कहीं भी ले जाइए वैसे। गंगा बक और गंगा बक ते कंडोला जब जाए वहाँ लिख रहे रसिए बजाए। सुन ले मेरी बात और कह दे अपनी बात। ओ छोरी शायद पता नहीं वहाँ औरतें नहीं जाती। औरतें नहीं जाती है तो मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन आज आज ये पहली बार होगा कि मर्दों की पंचायत में एक औरत को बुलाया जा रहा है, और ये भी पहली बार होगा कि वहाँ तेरा चीर हरण किया जाएगा, तेरे वस्त्र उतारे जाएंगे, छत्रियों की सभा में तुझे नगन नचाया जाएगा, तुझे नगन नचाया जाएगा। जो औरतों को नगन नचाते हैं ना। हाँ। वो क्षत्रिय नहीं कहलाते, वो तो हीजड़े कहलाते हैं। और हीजड़े पता है कैसे करते हैं? कैसे? इक्या मनसो दे दे ऐसे करते हैं। और तू कोई क्षत्रिय नहीं, तू तो हीजड़ा है। अब सुनो, यू हमें हीजड़ा कह रही है, कितनी जोर से हंसी आई है। ये कह रही हूँ, हेलो पंचाली सुन मेरी बात, तू हमको हिजड़ा बता रही है। हिजड़ा ये तू? तेरे अंदर थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है। मेरे अंदर तो बहुत शर्म लिहाज थी और थोड़ी हाँ है। देखो या के अंदर है शर्म लिहाज बहुत ज्यादा। सुनो मेरी बात, आज से पहले आपने ये तो सुना होगा कि एक एक राजा को कई कई रानी होती है। जी। कई कई रानी होती है। जी। राजा दशरथ को कितनी रानी थी पहलवान जी? तीन। तीन। आपने गोपी चंद का किस्सा सुना होगा प्रधान जी, गोपी चंद को थी 16 रानी। 16। और हमारे भी बड़े बूढ़े कई ऐसे थे पहले जो बुजुर्ग लोग कई कई औरतें कर लेते थे, कई कई घरवाली होती थी। मेरा कहने का मतलब है, ये तो आपने सुना होगा कि एक मर्द को कई कई औरतें हो सकती हैं, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि औरत एक और खसम पांच। बजा दो या गुताली। सुना चल। हाँ। मेरे तो कसम पांच है। हाँ। तू बता तेरे कितनी है? मेरे सही बताइयो, झूठ मत बोलियो। देखो आज सब लोगों के सामने सही बता। देख ऐसे हंस रहे, या की तरह झूठ मत बोल दियो। अच्छा हाँ सही सही बताइयो। देख हुआ भैया देख ऐसे हंस रहे। बिल्कुल सही। सुन मेरी बात पांचाली। हाँ। मेरे एक ही घरवाली थी। अच्छा। और एक ही घरवाली है। हाँ। और आगे भी एक ही रहेगी। एक ही। अच्छा हाँ ऐसी बात है। हाँ देखो जी देखो, या के एक ही घरवाली थी। हाँ। और एक ही है। एक ही है और एक ही रहेगी। एक ही रहेगी। जब या को ऐसा टिप्पण से बंद रहो और मुझे देख। हाँ। कि मैं पांचों को झेल रही हूँ। हाँ। और छठे तुझसे टक्कर ले रही हूँ, मुझे देख तू। भाई वाह। मेरी छाती देख। भाई वाह। या पांचाली की धन्यवाद, या की छाती के छाती देख मेरी। सुन पांचाली। हाँ। छह छन के झटका झेल रही है तू पर, एक बात बता दे। देख मवई बस्ती में एक देख बड़े गुणी महान व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग ज्ञानी धनी आदमी बैठे हैं। देख ना तो मुझे धर्मराज युधिष्ठिर से कोई दिक्कत है फौजदार साहब। अच्छा। और न ही मुझे अर्जुन से कोई दिक्कत है, ना मुझे नकुल से कोई दिक्कत है, और ना मुझे सहदेव से कोई दिक्कत है, पर आज मवई बस्ती की
धरती पे ईमानदारी तो बता दे तू अभीम के झटका के तो कहा पता क्या झेल रही हो कहा पता तो हेलो कहा पता भीम भैया के झटका झेल रहा हो सुन ले मेरी बात
सुनने वाला नहीं मिलेगा, जग में तेरी शिकायत दिखे, सूर्य ग्रहण सा हो जाएगा, दिन की बदलेगी रात दिखे, तू राजपाट और बहु बेटा ते अरे धो बैठेगी हाथ दिखे, धो बैठेगी हाथ दिखे, अरे अपने हाथा अपने आगे अपने हाथा अपने आगे कर ले खड़ी तबाही, कैसे रोक पाया हूं। जब से मुझे यह पता चला कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं, मैं द्रौपदी का जेठ लगता हूं। राजमाता कुंती, मैं उन पांडवों का बड़ा भाई हूं जिनकी एक बाण से गंगा रुक जाती है और एक बाण से गंगा बह जाती है। मैं उस गदाधर भीम का भाई हूं जिसकी एक गदा से आकाश और पाताल डोल जाते हैं। मैं धर्म का बड़ा भाई हूं जो धर्म राज है युधिष्ठिर। मैं नकुल और सहदेव को क्या क्या कहता रहा, मैंने कितना अपमानित किया पांडवों को, कभी उनको इज्जत नहीं दी और पांडवों के साथ साथ अपनी भाइयों की घरवाली की मैं बेइज्जती देखता रहा। बता इन आंसुओं को किसके सामने ले जाऊं, रोऊं तो कहां रोऊं, मेरा इस दुनिया में है कौन। अपने हंसुओं को रोको, करण को ढानस दो, परंतु एक बात का जवाब तो दे, जिस बात को तू आज बताने आई है अगर थोड़े दिन पहले बता देती, अगर थोड़े दिन पहले ये कह देती कि हां मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं तो सुन मैं क्या कर देता, सुन ले जरा। चाने नहीं देता जो 13 साल बनों में काटे, 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने नहीं देता। अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता, चाहे इंदर करता चाहे इंदर करता जोर चीर के, मैं तो हाथ लगाने नहीं देता, हाथ लगाने नहीं देता। और इतनी कह के करण बलि की रे, इतनी कह के करण बलि की, अरे इतनी कह के करण बलि की We'll be right back.
कि पहले खुल जा भेद अगर ये जाल रचाने नहीं देता। जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने नहीं देता, अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता, और चाहे इंदर करता जोर चीर के हाथ लगाने। अरे इतनी कह के करण बलि की भर के छाती आई, अक धर्म युधिष्ठिर थे मत कहियो करण तुम्हारा भाई। करण इस भेद को मैंने छुपाया, हाँ उसका बहुत बड़ा नुकसान मैंने पाया, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि इस भेद को मैं आगे भी छुपाऊं तो और बड़ा नुकसान पा बैठूं। नहीं राजमाता, अगर तूने इस मौके पर यह भेद खोल दिया तो फिर तो बहुत बड़ी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी, तेरी आंखों के आंसू रुक नहीं पाएंगे, पछतावा इतना बड़ा हो जाएगा, बता दूं क्या होगा। हाँ बता। अगर तूने आज ये भेद खोल दिया तो मैं तुझे युद्ध के बारे में बता देता हूं क्या होगा, सुन ले। जो डोल के मंजिल ओ छुले वो छुले छुलाए रह जाके, बलवानों के बाण जंग में तुले तुलाए रह जाके, और तेरी बहू के बाल जगत में अरे खुले खुलाए रह जाके, खुले खुलाए रह जाके, और तेरी भी क्या मेरी भी हो, तेरी भी क्या मेरी भी। आंखों पे बिठाएंगे, वो इतना बड़ा धर्मात्मा है कि ये सुनते ही तुरंत के तुरंत अपने सिर के ताज को उतार के तेरे सिर पर रख देगा, तू राज करेगा करण, तू मेरी बात मान ले, मेरे साथ चल। और तू भी यही चाहती होगी, हाँ, कि वो अपने मुकुट को मेरे सिर पर रख दे। हाँ, यहाँ तक तो तू जानती है और यहाँ से आगे मैं जानता हूँ, तू नहीं जानती। मतलब क्या जानता है? जैसे ही सारी बातों को भूल करके वो युधिष्ठिर धर्म के मुकुट को मेरे सिर पर रखेगा, हाँ, राजमाता कुंती मेरी मजबूरी है, मैं उस मुकुट को अपने सिर से उतार के दुर्योधन के सिर पर रख दूंगा, और दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि धर्म हार जाएगा और अधर्म जीत जाएगा, इसलिए इस भेद को छुपा के रख। और सुन, अरे भेद बात का खुल जागा ते नेम और धर्म उठ जाएंगे, तेरे एक बोल में ही पता नहीं क्या, तेरे एक बोल में ही पता नहीं किस किस के प्रण टूट जाएंगे, कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूट घूट जाएंगे, मुझते पहले तेरे भीम बलि के तल ते प्राण छूट जाएंगे, क्योंकि पूरा प्रण करण खातर ही पूरा
निचोड़। और सुन ले राजमाता कि अगर भेद को खोल बैठी तो बताऊं क्या होगा, क्या होगा, दुनियादारी ओ इज्जत और आबरू की वो सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। और बता दूं हाँ करण, फिर पता नहीं कहे लड्डन सिंह किस करवट ऊट देर से बस एक ही चीज का एक ही बात का इंतजार कर रही हूं। मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब तो मुझे भागन को एक बार मां कह के नहीं, मां तो मेरी राधे है। क्या तू अब भी मुझे मां नहीं कहेगा? नहीं कह सकता। ठीक है करण, अगर ऐसा है तो तेरी मां तेरे दरवाजे पे कटारी मार के मर जाएगी, लेकिन अब यहां से वापस नहीं जाएगी करण, वापस नहीं जाएगी। और प्रेमी सज्जनों, जब कुंती ने यह कह दिया कि अब कटारी मार के मरूंगी, तो फिर करण मां की ममता के सामने विवश हो गया। मां तो कहा, लेकिन कैसे कहा, हेरे पता नहीं कहे लड्डन सिंह किस करवट उठे बैठ जागा, करवट उठे बैठ जागा। अरे हाथ जोड़ के अरज करूं हो, हाथ जोड़ के अरज करूं हो, तेरी हाथ जोड़ के अरज करूं, जो माने कुंती माई। वाह वाह करण वाह, तू धन्य है दानवीर करण। जब तक ये सूरज चांद ये जमाना ये धरती आकाश रहेंगे, ये लोग तुझे याद करते रहेंगे। दानवीरों में सबसे पहले तेरा नाम आएगा करण। तू धन्य है मेरे लाडले, तू धन्य है करण। हाथ जोड़ के अरज करूं जो माने कुंती माई। सारथी हो माधव, और अर्जुन के रथ पर सारथी होते हुए भी अर्जुन के दुश्मन करण की प्रशंसा कर रहे हो। महाराज, इस रणभूमि के मैदान में आज युद्ध को चलते चलते 16 दिन गुजर चुके हैं, और एक से एक बड़े से बड़ा योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया है। आज से पहले तो आपने खुले शब्दों में किसी महारथी की इतनी प्रशंसा नहीं की है जितनी मेरे दुश्मन करण की कर रहे हो। आखिर ऐसा क्या काम कर दिया करण ने? अर्जुन, हाँ, दुश्मनी अपनी जगह पे होती है, प्रशंसा अपनी जगह पे होती है। और जो व्यक्ति प्रशंसनीय हो, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, आज करण ने वो कर दिया जो संसार में कोई नहीं कर सकता था, और फिर भी मैं उसकी प्रशंसा ना करूं? महाराज, मेरी नजर में उस करण ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, और अगर उस करण ने कोई काम करके दिखाया है, इसमें कोई राज छुपा हुआ है, तो आज मुझे इस राज को साफ साफ बता दीजिए, अन्यथा मैं अपने दांडी को रख करके इस रणभूमि के मैदान में अपने प्राण काट दूंगा महाराज, मर जाऊंगा। बस तुम पांचों भाइयों ने एक चीज रट रखी है, हाँ, प्रतिज्ञा कर लेते हो, और या तो ये काम करवा दो भगवान कृष्ण, नहीं तो मर जाऊंगा, या तो ये काम करवा दो नहीं समाधि ले लूंगा, या तो ये काम करवा दो नहीं तो मैं प्रण करता हूं मुंह नहीं दिखाऊंगा। माधव, जब अगर सारथी ही दुश्मन की प्रशंसा करने लग जाए तो योद्धा का मान घट जाता है, योद्धा का बल घट जाता है। आप मेरे मनोबल को गिराने का काम कर रहे हो, आप
आप मेरे अंदर वीरता जगाने का काम करो जिससे कि मैं कर्ण को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। अर्जुन, रणभूमि में जो योद्धा आता है, रणभूमि में जो योद्धा आता है ना, वो खुद कटारी मार के मरने के लिए नहीं आता, युद्ध करने के लिए आता है, युद्ध करने के लिए। ये तो मैं भी भली भांति जानता हूँ और मैं युद्ध करने के लिए ही आया हूँ। ये संसार जानता है कि कुंती पुत्र अर्जुन कितना बड़ा बलशाली है, कितना बड़ा धनुर्धर। और तू ये भी जानता है, अभी एक बाण में तेरा काम तमाम कर दिया होता, वो तो मैंने घोड़ों के पैर नीचे को कर दिए और वो बाण तेरे सर के ऊपर से निकल गया। इस बात का भी जवाब दूंगा महाराज कृष्ण, लेकिन अगर इसमें कोई भेद छपा हुआ है तो आज सबके सामने इस भेद को बता दीजिए, जिसकी वजह से आप मेरे दुश्मन की बड़ाई कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो। मेरी बात सुन पाएगा? बिल्कुल सुन पाऊंगा। कानों के पर्दे थोड़े से ठीक कर ले अपने। ठीक है, सुनो मेरी बात। ओ मरूंगा कट जाने दे, करण को शाबाशी क्यों रत, मेरा तीन कदम हट जाने दे, करण को शाबाशी क्यों रत, मेरा तीन कदम हट जाने दे। अरे मैं तो गया मान मन में, हो युद्ध में जब ये ढंग है फिर आगे क्या हालात, अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले, राज की है बात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले, राज की है बात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले, राज की है बात अर्जुन। ओ कदे केवल और केवल तीन कदम पीछे हटता है, तीन कदम पीछे, लेकिन जब जब ये कुंती पुत्र अर्जुन बाण चलाता है उस करण के रथ को कभी सात कदम, कभी दस कदम, कभी तीस कदम पीछे। अर्जुन, हाँ, अगर तेरा रथ तीन कदम पीछे हटा है, हाँ, तो ये बहुत बड़े राज की बात है, और अगर मैंने मुंह से काट दिया तो तेरा ये हार्ट फेल हो जाएगा बेटा। महाराज कृष्ण,
मेरी नजर में उस कर्ण ने ऐसा कोई भी काम करके नहीं दिखाया है, कोई भी। शायद आप भूल रहे हो महाराज, आप तो कभी नहीं भूल सकते हो। मुझे पता है वो कितना बड़ा बलशाली है, कितना बड़ा योद्धा है, जिस सूत पुत्र की आप बार बार प्रशंसा करते जा रहे हो। अर्जुन, किसी को सूत पुत्र कहना, किसी की माँ के बारे में कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम नहीं जानते कर्ण की माँ भी बड़ी आदरणीय माँ है। अच्छा, कहिए अपनी बात रखिए। सुनिए मेरी बात। जबर नहीं सावासी की धवनी क्यों हुई, किसी को भी खबर नहीं। सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सफर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सफर नहीं। अरे थोड़ी सी सुनाओ रे अर्जुन, हो को चटा गया करने। तीन कदम तीन लोक हमें पाछे में हटा गया करण। तीन कदम तीन लोक हमें पाछे में हटा गया करण। वो पान जब मारिया भरे के जोश होश नहीं तारे तलगे गल समझ में नहीं आ रहा है महाराज। समझाऊंगा, मेरी नजर में ये करण योद्धा नहीं है, मेरी नजर में है। सुनिए, हृदय में धरू दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। और हनुमान रथ की मुर्जी पे, हनुमान रथ की मुर्जी पे बल उसका बिझाड़ दिया। अब ध्यान से सुन। हाँ,
ध्यान से सुन, कान न लगा ले जो सुन रहा हूं बताइए। मोर जैसे कान कर ले। ए हनुमान रथ की बुर्जी पे पल उसका बिछाड़े दिया, शेषनाग रथ के पहियों में, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। अरे तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया, तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। वो देख के भूल गया औसान पान दिया, हर कांपे गया रे ने फाड़ दिया। सुन, तमाम देवी देवता, तमाम महान शक्तियां और खुद मैं, अगर तेरे रथ पे नहीं होता ना, हाँ, तो बेटा गंगा भक्त परे के जन कहां पाम, तो तेरे रथ अब तक चूर मूर हुए थे जैसे जैसे फूल कुमला जाए। हे महाराज कृष्ण, मेरी आंखों पर जो घमंडी रूपी पट्टी बंधी हुई थी उसको आपने खोल दिया है। मैं तो केवल यही सोच रहा था कि मैं अपने रथ पर अकेला हूं और कर्ण से युद्ध कर रहा हूं, मेरे रथ पर और कोई शक्ति विराजमान नहीं है, केवल और केवल अर्जुन युद्ध कर रहा है। अच्छा, लेकिन मेरे रथ के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी तीन तीन शक्तियां होते हुए भी उस कर्ण ने मेरे रथ को तीन कदम पीछे हटा दिया, तो वाकई में ही वो कर्ण बलशाली है। महाराज, मैं अपने अभिमान में चूर था, लेकिन आपने अभिमान की पट्टी को हटा दिया है स्वामी। अब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। किस बात के लिए? और आपसे एक विनती करता हूँ माधव, कि आप इस युद्ध में सबसे पहले तो किसी भी तरह इस कर्ण से मेरी जान को बचा दो और धर्म की विजय करवा दो। महाराज, धर्म की विजय करवा दो। अभी तो थोड़ी देर पहले तो जो करो, एक ही बाण में 100 कर्ण ने खत्म कर दूंगा। हाँ महाराज, मैं यही सोच रहा था कि अर्जुन से बड़ा बलकारी, अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं है। मैं ये भूल गया था कि आज जो तू धनुर्धारी है, तो तेरे पीछे तेरे रथ पर कई कई शक्तियां विराजमान हैं, उनके बलबूते पर जो मैं चल रहा था, उन शक्तियों को मैं भूले पड़ा था। आपसे माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, महाराज इस धर्म युद्ध में मेरी विजय करवा दो और इस कारण से मेरी जान बचा दो। थोड़ा ये मैं आपका सेवक भी हूँ महाराज, अब तेरी विजय भी करा दूं, करण को भी मरवा दूं, लड़ाई लड़, ठीक है, आमने सामने की लड़ाई लड़, जो होगा वो देखा जाए। सुनिए मेरी बात, हाल जाल माया का रचा तो प्रभु, भूलू ना मैं एहसान जान मेरी उस कारण से बचा दो प्रभु, भूलू ना एहसान जान मेरी उस कारण से बचा दो प्रभु। अपने कर्म की होगी
राज बल उठा ले बाण, बात क्या भरम की होगी। लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी। होते चित चिंता ने में भेद करे खेसी अपना अरे आटा यार बले
इतना बड़ी मसाणी कलकत्ते माड़ी तुमा जोरदार ताली।